बद्रीनाथ की छोटी पुलिया पर पेयजल लाइन की फूटी पुलिया से निकलने वाले लोगों का हो रहा दुश्वार। हो सकती है बड़ी घटना, जिम्मेदार बेखबर। मंदसौर पशुपतिनाथ छोटी पुलिया के यहाँ पर पेयजल लाइन टूटने के कारण लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फुमारे लगाए गए हैं। पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने जा रहे कमल खींची ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मंदसौर शहर में सभी जगह हैं इसी तरह पाइपलाइन फूट रही है और लोगों को पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। वार्ड नंबर 26 की पार्षद प्रति शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने मीडिया से चर्चा करते हुए सोमवार को 9:15 पर बताया कि मंदसौर नगर पालिका कर्मचारी एवं इंजीनियरों की लापरवाही के कारण आए दिन यहाँ पर इस तरह पाइपलाइन फूट जाती है और क्षेत्र की जनता को पेयजल नहीं मिल पाता, जिससे क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान होती है और इस पानी से बचने के लिए लोग नदी किनारे भी जा रहे हैं, जिससे बड़ी घटना हो सकती है क्योंकि काफ़ी ऊपर पानी आ रहा है और लोगों के ऊपर पानी आने के कारण लोग अपने आप को पानी से बचाने का काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और टू व्हीलर वाहन भी इस पानी के कारण फिसल सकते हैं, जिससे बड़ी घटना हो सकती है। वार्ड नंबर 26 के पार्षद प्रति शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने कहा कि नगर पालिका जलकर सभापति को भी सुबह मेरे द्वारा शिकायत की गई है कि इस तरह पाइपलाइन फूटने के कारण हजारों लीटर पानी निकल रहा है। मंदसौर शहर में इसी तरह हर 3 से 4 दिन में यहाँ की पाइपलाइन फूट जाती है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले रहवासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं पशुपतिनाथ दर्शन करने जा रहा था और यहाँ से निकलने की भी जगह नहीं है, पानी इतना बह रहा है यहाँ से पाइप में से। और लोग परेशान हो रहे हैं निकलने के लिए, काफ़ी पानी बह रहा है, पाइप फूट रहा है और भी कई जगह फूट रहा है। तो तुरंत इसकी व्यवस्था की जाए, क्या नगर पालिका हो जो भी कर्मचारी हो तुरंत इसको ठीक करे। यहाँ से निकलना परेशानी पड़ रही, लोग कभी गिर सकते हैं पुलिया से बचने के लिए, पानी से इतना जोर से पानी निकल रहा है। जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए, क्योंकि मेला चल रहा था, शायद मेले का समापन भी है। हाँ। काफ़ी अधिकारी लोग आएंगे, इसको देखेंगे क्या कहेंगे। क्या ये स्थिति सब दूर की है, क्या बात है? और भी जगह है, और बता सकता हूँ, और भी जगह बता सकता हूँ, काफ़ी पाइपलाइन फूट रही है उधर पुलिया के उधर। क्या लोगों को पानी मिल पाएगा जिसे, जिस तरह कैसे मिलेगा? पानी की तो कमी ऐसे ही आ रही है, पानी बहता जा रहा है फोकट में। क्या नाम आपका? कमल खींची। धन्यवाद। आप देखिए कि हर बार कोई भी यहाँ पे पाइपलाइन की समस्या होती है, कोई भी लीकेजिंग होती है, तो आपके द्वारा उसका ध्यान प्रशासन अधिकारियों तक पहुँचाया जाता है, लेकिन प्रशासन अधिकारी जो है और कर्मचारी है इसका स्थाई निराकरण नहीं कर पा रहे। बार बार हम भी इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं कि सारा ही पानी यहाँ निकल जाएगा तो आगे लोगों को घर तक पानी कैसे पहुँचेगा। लेकिन हम आप देखिए कि इंजीनियर हमारे यहाँ हज़ारों रुपये तनख्वाह वाले हैं, कर्मचारी हज़ारों रुपये तनख्वाह वाले हैं, क्या उनको इसका सही निराकरण नहीं हो पा रहा है क्या? जलकर सभापति को मैंने सारी चीज़ों से अवगत करवा दिया, सुबह भी मैंने फ़ोन लगा के उनसे बोल दिया कि इस तरीके का पानी निकल रहा है। जो कर्मचारी संबंधित जो देखता है उसकी इतनी लापरवाही है कि उसको बार बार कहने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं क्या हादसा हो सकता है इस तरह से पानी? देखो, अब जिस तरीके से पानी निकल रहा है, आप देखो कि पानी से बचने के लिए आदमी नदी की तरफ जा रहा है, अगर ज़रा सा बैलेंस बिगड़ा तो वो नदी में गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, सामने वाला उधर से आ रहा तो इसका कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है। और आपके द्वारा जो ये बताया गया, इससे देखो ना आपके सामने किस क्या स्थिति हो रही, ये नगर पालिका चल रही है मंदसौर की।